कि वो बहुत जल्द प्रेम गीत 4 लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले प्रेम गीत 3 के जितने भी फैंस हैं एंड सभी को मैं एकदम तहे दिल से थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहता हूँ। ये प्रेम गीत 3 मूवी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट तो हो ही गया है। जितना बजट था उससे कई गुना ज्यादा उस मूवी ने कमा लिया, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों प्रेम गीत 4 के बारे में मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब प्रेम गीत 4 भी आने वाला है, तो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो सारा अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना जितने भी प्रेम गीत के फैंस है एंड जितने भी मेरे चाहने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें एक्चुअल सारा अपडेट बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो आपको फ्यूचर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग मनीष सोनकार। स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिल्म प्रेम गीत 3 के बारे में। प्रेम गीत 3 सुपर हिट हो चुकी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। दोस्तों प्रेम गीत 3 मूवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेम गीत 3 सिर्फ 4-5 करोड़ की मूवी थी और उस मूवी अपने बजट से कई गुना पार जा चुकी है एंड सुपर डुपर हिट हो चुकी है, जिसका दोस्तों मैंने बढ़ चढ़ के प्रमोशन किया था। एंड दोस्तों आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट भी मिला था, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों ये एक मूवी लव स्टोरी एंड एक्शन थ्रिलर मूवी था, जो कि बिना VFX का किए, नो VFX का पूरा दोस्तों नेचुरल था। जितना भी दिखाया दर्शाया गया था उसमें एक भी VFX का यूज नहीं किया गया था। इंडो नेपाल फर्स्ट मूवी था जो कि हिंदी में डब होके इतने बड़े लेवल पर रिलीज हुआ था, जो कि बहुत प्राउड की बात है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एक बार कोई स्टार्ट कर देता है तो ये बार 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 हमको देखने को मिलेगा अच्छा चीज, ठीक है। तो दोस्तों ठीक वही हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा प्रेम गीत 3 इतने कम बजट में बनी है, पूरा पूरा नेपाल में शूटिंग किया गया है, इसको कई सारे स्क्रीन में कई सारे देश में इंटरनेशनली रिलीज किया गया अलग अलग भाषाओं में। और इसके मुख्य कलाकार में आप लोग प्रदीप खटका एंड क्रिस्टीना गुरुंग आप लोगों को देखने को मिले होंगे इस फिल्म में। एंड दोस्तों मूवी बहुत अच्छा कमाई भी कर चुकी है एंड आप लोगों ने शायद से देखा ही होगा, मैंने पूरा प्रॉपर व्लॉग एंड सारा प्रमोशन किया, सारा लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है संतोष सेन, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ऑफिशियल एक अपडेट बताया कि वो बहुत जल्द प्रेम गीत 4 लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। एंड दोस्तों इस फिल्म में क्या क्या होने वाला है आपको बता दूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने प्रेम गीत 3 देखा होगा, प्रेम गीत 3 में जो राजा के बेटे होते हैं प्रेम, एक किस्मत में दोस्तों राज्य योग लिखा होता है। एंड दोस्तों इस फिल्म के जो एक्ट्रेस होती है गीत, वो दोस्तों मर जाती है। उसके बाद दोस्तों ये मूवी खत्म हुआ है ना, वहीं से स्टार्ट होगा। और दोस्तों जब मर जाती है गीत तो उसके बाद उसमें एक्शन थ्रिलर आप मिलेगा। एंड दोस्तों जो अमन है राजा के बेटे जो प्रदीप खटका, तो उनके किस्मत में दोस्तों राज्य योग लिखा है, तो उस राज्य योग को पाने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या मारपीट एंड जो कुछ भी है, एकदम मस्त जबरदस्त कॉन्टेंट स्टोरी लाइन लेके आएंगे उन्होंने बताया है। एंड दोस्तों ये जो मूवी होगी ये एक बहुत बड़ी बजट में मूवी बनेगी, एक बहुत बड़ी बजट में। एंड एक बहुत बड़ा अपडेट बता दूं, ये मूवी एक साथ ही नेपाली में भी शूटिंग होगा और हिंदी में भी शूटिंग होगा, दोनों एक बार में ही शूटिंग होगा, नेपाली और हिंदी दोनों में ही शूटिंग होगा। ये एक अलग ही प्लानिंग उन लोग का चल रहा है। हिंदी में इस मूवी का डबिंग नहीं किया जाएगा, अभी उनका अपडेट आया है, दोनों को अलग अलग भाषा में शूट किया जाएगा एक साथ। तो ये कुछ अपडेट है। एंड दोस्तों इस मूवी से बहुत सारे लोगों का होप होगा, क्यों, क्योंकि जो पहले वाला मूवी था प्रेम गीत 3 उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारी चीजों को वहां पे ठीक किया जा सकता था, वो सारी चीजों पे इसमें काम किया जाएगा। और दोस्तों इसमें VFX का भी यूज किया जाएगा। और दोस्तों इस मूवी का जो बजट है वो बहुत ज्यादा हाई भी होगा, वो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड इसमें दोस्तों क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, VFX का यूज होगा, नेचुरल तो ब्यूटी दिखाया जाएगा लेकिन जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो चीज भी दोस्तों इसमें दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसमें इंडिया का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। और दोस्तों संतोष सेन जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनका जो असु सेन एंड स्पार्कलिंग स्टूडियो है, दोनों मिल करके इस मूवी को बनाएगी, तो एक बहुत बेहतरीन मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों इसमें वो लोग बताए हैं कि एक भी कमियां वो छोड़ेंगे नहीं कि आप लोग कुछ भी उंगली उठा सके या फिर कुछ भी इस फिल्म को हेट दे सके, क्योंकि बहुत बेस्ट बहुत बढ़िया कॉन्टेंट लेके आने वाले हैं प्रेम गीत 4। तो आप लोग वेट करना है एंड आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। एंड आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा अपडेट लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो, ऐसा ही वीडियो आपको देखना है तो नीचे लाल बटन आप लोगों को दिख रहा है उसे दबा के ब्लैक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो आपको तुरंत सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना प्लीज।
तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके साथ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।